दोस्तों रूस भारत के साथ अपने ट्रेड एंड बिजनेस को बढ़ाते जा रहा है। भारत को रूस कच्चा तेल सप्लाई कर रहा है। बदले में रूस चाहता है कि भारत भी अपनी दोस्ती निभाते हुए उसकी मदद करे। रूस के कई बड़े अधिकारियों ने अपने बयान में कहा है कि वो भारतीय कंपनियों का सपोर्ट चाहते हैं। उन्हें रूस की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, फैक्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, इन सबको ऑपरेट करने के लिए भारत की मदद की जरूरत है। रूस भारत की कार कंपनी से रिक्वेस्ट कर रहा है कि भारत की कार कंपनी जितना जल्दी हो सके रूस के ऑटोमोबाइल फैक्ट्री को ऑपरेट करे। रूस ने ये तक कह दिया है कि भारतीय कंपनियां ही हमारे मार्केट को सही पटरी पर ला सकती है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि रूस अपने फैक्ट्री को क्यों ऑपरेट नहीं कर पा रहा है, रूस की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री क्यों ग्रो नहीं कर पा रही है, वो भारतीय कार कंपनी को अपनी फैक्ट्री क्यों देना चाहते हैं और क्या भारतीय कंपनियां रूस जाने को तैयार है। स्वागत है आपका बीएस मोटिवेशन के एक और वीडियो में। मैं हूं विकास। दरअसल दोस्तों रूस का कहना है कि हम भारतीय कंपनियों को अपने यहाँ पर इनवाइट कर रहे हैं क्योंकि अमेरिका और यूरोप की कई कंपनी अब रूस को छोड़ करके जा चुकी है। इससे रूस की फैक्ट्री बंद पड़ी है और अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए रूस तेजी से अपनी सभी फैक्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को चाइना को हैंडओवर करता जा रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो रूस के पूरे बाजार पर सिर्फ चाइना का कब्जा होगा, इसलिए रूस अपने मार्केट में कॉम्पिटिशन बनाए रखना चाहता है। रूस चाहता है कि उसकी ऑटोमोबाइल सेक्टर में चाइना के साथ साथ भारतीय कंपनियां भी काम करें। कुछ समय पहले तक भारत सिर्फ पार्ट्स असेंबल करता था, हमारे पास इतनी नई टेक्नोलॉजी नहीं थी कि हम अपनी ऑटोमोबाइल सेक्टर को ऑपरेट कर सके। लेकिन आज चाइना अमेरिका के बाद भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटो मार्केट है। इसके पहले तीसरे नंबर पर जापान था। तो अपना भारत अब वो भारत नहीं है, अपना भारत बदल रहा है। अब भारत का ऑटोमोबाइल सेक्टर तेजी से ग्रो कर रहा है, हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट सबसे कम है, क्वालिटी भी बेस्ट है। इन्हीं सब कारणों के चलते रूस चाहता है कि भारतीय कंपनियां रूस में अपने फैक्ट्री को सेटअप करके प्रोडक्शन स्टार्ट करे। आज रूस के 80% ऑटोमोबाइल मार्केट पर चाइना का कब्जा है, लेकिन रूस को पता है कि अब भी उसके पास मौका है। अगर किसी तरह से भारतीय कार कंपनियां राजी हो जाए तो वो आसानी से चाइना को टक्कर दे सकता है। रूस भी भारतीय कंपनियों को सपोर्ट करेगा ताकि चाइना का शेयर कम किया जा सके। रशिया के कुछ ऑफिसर्स का कहना है कि भारतीय कंपनियां रूस आने को तैयार है, लेकिन उनको डर है कि रशिया पर जो काफी हैवी सेंसेक्स लगा है इससे उन्हें प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए भारतीय कंपनियां रूस नहीं आ रही है। रही बात चाइना की, तो चाइना रूस का पड़ोसी देश है और चाइना को अमेरिका से कोई डर वगैरह नहीं है। वैसे डरते तो हम भी नहीं है, लेकिन हमें उन देशों के साथ ट्रेड करना है, यूरोपीय कंट्रियों के साथ हमें ट्रेड करना है और अमेरिका के पास पावर है कि वो किसी भी देश पर सेंसेक्स लगा सकता है। तो चूंकि अभी हमें ग्रो करना है, इसलिए हम अभी कुछ ऐसा नहीं करना चाहते हैं जिससे कि पूरी दुनिया हमारे खिलाफ हो जाए, क्योंकि भारत को अगर ग्रो करना है तो पूरी दुनिया का साथ चाहिए। अभी उन देशों की कंपनियां हमारे देश में आ रही है जिससे कि भारत में टेक्नोलॉजी शेयर हो रहा है और हम ग्रो कर रहे हैं। हाँ, ये अच्छी बात है कि रशिया चाहता है कि भारतीय कंपनियां रशिया में जाए और अपना प्लांट सेटअप करे, तो ये हम करेंगे, बट इसमें कुछ टाइम लगेगा। हाँ, अगर रशिया से सेंसेक्स हट जाता तब तो कोई दिक्कत नहीं था, तब भारतीय कंपनियां आसानी से जाकर के वहां पर प्लांट सेटअप कर सकती थी या उनके फैक्ट्री को संभाल सकती थी। चाइना रशिया के फैक्ट्री को मैनेज कर रहा है क्योंकि वो पड़ोसी देश है, कभी भी घुस जाता है, और चाइना अमेरिका का रिलेशनशिप भी अच्छा नहीं है। लेकिन भारत के साथ ऐसा नहीं है, भारत की सारी कंपनियां रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करती है। रूस में सिर्फ दो तीन कार कंपनी ऐसी है जो कि पूरी तरह से मेड इन रशियन है, लेकिन इनको चलाने के लिए जो भी स्पेयर पार्ट्स का इस्तेमाल किया जाता था वो सब रशिया भी चाइना से सप्लाई कर रहा है। तो भले ही ये कंपनियां मेड इन रशिया कार बना रही है, लेकिन इनडायरेक्टली मुनाफा तो चाइना को ही हो रहा है। पहले ये सभी स्पेयर पार्ट्स यूरोप से आता था, लेकिन रशिया यूक्रेन वॉर के बाद अमेरिका और यूरोपियन कंट्री से सप्लाई कट हो गया। अभी हर तरफ से रूस चाइना पर डिपेंड है। चाइना इसका फायदा उठाते हुए रूस के मार्केट पर अपना अधिकार जमा रहा है। ऑटोमोबाइल सेक्टर पर कब्जा करने के बाद चाइनीज कंपनी अब रशिया के बाकी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट पर ध्यान दे रही है। रूस में अभी भी कई फैक्ट्री है जो कि पूरी तरह से बंद पड़े हैं। चाइनीज कंपनियों का फोकस इसी पर है, उन्हें पता है कि रूस कंपटीशन क्रिएट करना चाहता है। जैसा कि आपको पता होगा कि भारत और रूस अलग अलग हैं, ये दोनों देश अपना बॉर्डर को शेयर नहीं करते हैं क्योंकि बीच में चाइना बैठा है। लेकिन चाइना के साथ ऐसा नहीं है, वह रूस के साथ बॉर्डर को शेयर करता है और इसका फायदा भी उठाता है। रूस चाइना को क्रूड ऑयल दे रहा है बदले में अलग अलग प्रोडक्ट, जिनकी फैक्ट्री अभी रूस में बंद पड़ी है। रूस ये चीजें चाइना से इम्पोर्ट कर रहा है, तो चूंकि दोनों देश बड़े पैमाने पर एक दूसरे के साथ ट्रेड कर रहे हैं, इसीलिए ये चाइना की करेंसी युआन में पेमेंट करके प्रोडक्ट को इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जिससे कि चाइना की करेंसी युआन मजबूत हो रहा है। दूसरी ओर क्रूड ऑयल का पेमेंट भी कई बार रूस की करेंसी रूबल में किया जाता है। ये दोनों देश अब ट्रेड के लिए बहुत कम डॉलर का यूज करते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो चाइना को इससे बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है। देखिएगा, इस क्रूड ऑयल के मामले में तो भारत ने भी काफी ज्यादा फायदा उठाया, लेकिन भारत को और ज्यादा फायदा हो, रशिया के साथ हमारा ट्रेड बढ़े, इसके लिए अभी भारत के विदेश मंत्री रशिया गए हैं और वहाँ पर मीटिंग चल रही है। इसमें कई चीजों पर बातचीत होगी कि कैसे रशिया और भारत का ट्रेड को और ज्यादा बढ़ाया जाए। तो इससे रिलेटेड कोई अगर बिगड़ अपडेट आती है तो उस पर मैं एक अलग वीडियो ला दूंगा। आई होप कि गाइस आप इन सारी चीजों को समझ पाए होंगे, आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।